एशिया कप आधा निकल चुका है, हम पाकिस्तान के खिलाफ कमजोरी दिखा चुके हैं, नेपाल के खिलाफ भी हमारी पोल खुल चुकी है, वर्ल्ड कप हमारे सर पर रखा है, स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। अभी भी टीम इंडिया के खेमे में कुछ परेशानियां हैं, अभी भी टीम इंडिया कुछ ऐसी परेशानियों से जूझ रही है जिन परेशानियों का हल अगर नहीं निकाला गया तो ना एशिया कप आएगा ना वर्ल्ड कप आएगा और टीम इंडिया की बहुत बुरी बेइज्जती अपने घर में हो जाएगी, क्योंकि हम अपने घर में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। तमाम दुनिया ये जानती है कि अपने घर में भारत मजबूत है। हम तमाम क्रिकेट फैंस भी ये सपना देख रहे हैं कि 2011 के बाद जब हमारे घर में वर्ल्ड कप हो रहा है तो भाई साहब हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन क्या इन कमजोरियों के चलते हम वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? क्या इन कमजोरियों के चलते हमारा वो सपना पूरा हो पाएगा जो महेंद्र सिंह धोनी ने पूरा किया था? क्या इन कमजोरियों के चलते टीम इंडिया वो खिताब उठा पाएगी जिसकी लगातार चर्चा होती है? तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने टीम इंडिया की पोल खोलता हूं, क्योंकि ये जरूरी है। हम केवल भक्ति नहीं करते, टीम इंडिया की पोल भी खोलते हैं, उनकी कमजोरियों को भी बताते हैं ताकि टीम इंडिया को एहसास हो सके कि भाई साहब आप क्या क्या गलतियां करते हो, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में बहुत कुछ बदल चुका है। अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को मौका दिया जाने लगा है, बेहतर परफॉर्मेंस खिलाड़ी करने वाले खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जाने लगा है। तो इन हालात में, इन बदलते हुए हालात में टीम इंडिया को उसकी कमजोरियां बताना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े। अब देखिए, सबसे पहली कमजोरी पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ गई हमारी बल्लेबाजी की। हमें पता चल गया कि जहां अच्छी पिच होगी, जहां मजबूत गेंदबाजी होगी, वहां हमारे बल्लेबाज कुछ नहीं करेंगे। ये हमें पता चल चुका है कि भैया ये जो बल्लेबाज है ये केवल फ्लैट पिच के हैं, ये अहमदाबाद की पिच के हैं, जहां पर गेंद स्विंग करेगी, कांटा बदलेगी, वहां पर ये बल्लेबाज कुछ नहीं करेंगे, हथियार गेर कर चले जाएंगे, मैदान से बाहर जाकर एसी वाले ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएंगे, वहां पर इनको गर्मी नहीं लगेगी, आराम से मौज मस्ती में लेंगे, क्योंकि पैसा मिल ही रहा है, टेंशन क्या है, पैसा तो मिल ही रहा है ना, टेंशन है ही क्या। उसके बाद में दूसरी कमजोरी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, वो नेपाल के खिलाफ सामने आई। क्या सामने आई? हमारी गेंदबाजी की। अब एक बात बताइए, कोई भी टीम मजबूत क्या होती है? वो टीम तब मजबूत होती है जब उसकी गेंदबाजी मजबूत हो, उसकी बल्लेबाजी मजबूत हो। बल्लेबाजी की पोल पाकिस्तान ने खोल दी, गेंदबाजी की पोल नेपाल ने खोल दी, तो भैया कैसे सपना जीतोगे, कैसे आप अपना वर्ल्ड कप जीतोगे, कैसे क्रिकेट फैंस को बेवकूफ बना रहे हो आपके हम वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे, कैसे? सवाल का जवाब क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ना बल्लेबाज चल पाए, नेपाल के खिलाफ गेंदबाजों ने 250 रन बनवा दिए, तो भैया कैसे जीतोगे वर्ल्ड कप? आप हमें समझा दो थोड़ा सा, कौन जिताएगा वर्ल्ड कप, हमें ये भी बता दो भैया थोड़ा सा कि कौन जिताएगा वर्ल्ड कप। उसके बाद में देखिए तीसरा सबसे बड़ी जो परेशानी नेपाल के खिलाफ सामने आ गई, क्या थी? फील्डिंग। भैया एक बात बताइए, बल्लेबाजी से रन बना नहीं पाओगे, गेंदबाजी से बचा नहीं पाओगे, फील्डिंग से कैच पकड़ नहीं पाओगे, तो क्या अंडे देने के लिए मैदान पर जाओगे? क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है, क्रिकेट के मैदान पर तीन ही चीज होती है भैया, फील्डिंग, बॉलिंग और आपकी बैटिंग, और तीनों ही चीजों में टीम इंडिया की पोल पिछले दो मैचों में खुल गई है, पिछले दो मैचों में इन तीनों ही की पोल खुल गई है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि भैया अगर इन तीनों जगह फेल हो जाओगे तो वर्ल्ड कप कैसे जीत के लाओगे? तमाम क्रिकेट फैंस को आपने बेवकूफ बना रखा है कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, हम इस खिलाड़ी को रखेंगे, हम उस खिलाड़ी को रखेंगे, बीसीसीआई वाला पैसा कमा कमा के मोटे हो गए हैं, लेकिन कैसे वर्ल्ड कप जीतोगे? ये मुझे जवाब दो ना, मुझे इस बात का जवाब दो कि वर्ल्ड कप आप इन तीनों कमजोरियों के बाद कैसे जीतोगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं तो क्रिकेट फैंस के साथ साथ ये एनालिसिस कर रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरीके की कमजोरियां हैं तो भाई वर्ल्ड कप में आपको कोई टीम मौका नहीं देगी। अगर आपका ऊपरी क्रम बल्लेबाजी नहीं कर सकता है स्विंग गेंदबाज के खिलाफ, अगर आपका ऊपरी क्रम स्विंगिंग पिच पर आप नहीं खेल पाते हो, तो भैया ये तो सारे जो देश आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है, ये तो सारे मजबूत गेंदबाजी वाले देश हैं, ये तो आपको चलने ही नहीं देंगे, इनके सामने तो आपकी हालत ही खराब हो जाएगी।
जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इस बात की पोल खुल चुकी है, ये साफ हो चुका है कि स्विंगिंग गेंदबाज के सामने स्विंगिंग पिच पर हम नहीं खेल पाएंगे। हमें अहमदाबाद की पिच चाहिए भैया, हर मैच में हमें अहमदाबाद की पिच चाहिए। तो हर मैच में अहमदाबाद की पिच बीसीसीआई कहां से लाकर देगी ये बताइए ना। बाकी टीम कोई आंख बंद करके पट्टी बांध कर तो आई नहीं है, उनके हाथ में भी बल्ला होगा, उनके बल्लेबाजों के हाथ में गेंद भी होगी, तो वो आपको कोई लड्डू की तरह तो आपके थाली में हाथ में परोस कर जीत दे नहीं देंगे, आपको खेलना पड़ेगा। खेलेंगे कैसे? सवाल तो सबसे बड़ा यही है ना कि खेलेंगे कैसे? जिसको खिलाना चाहिए था उसे बाहर बैठा दिया, जिसे नहीं खिलाना चाहिए था उसे अंदर ले लिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शिखर धवन को इतने बड़े टूर्नामेंट में क्यों नहीं लिया, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आईसीसी टूर्नामेंट के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं शिखर धवन, सबसे बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है शिखर धवन का आईसीसी टूर्नामेंट में, और ओपनर के तौर पर कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्विंगिंग पिच पर अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद धवन को मौका नहीं दिया, भैया शुभमन गिल को मौका दे दिया। क्या आपको लगता है कि शुभमन गिल ऑस्ट्रेलियाई जैसी धारदार गेंदबाज, जब मिचेल स्टार्क आएगा, पैट कमिंस आएंगे, क्या आपको लगता है कि इन गेंदबाजी के सामने शुभमन गिल का बल्ला चलेगा? वहां पर भैया आपको अहमदाबाद वाली पिच नहीं मिलेगी। उसके बाद में बात गेंदबाजी की आती है, क्या आपको लगता है कि ये तीन चार गेंदबाज जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं टीम इंडिया के, अभी मंडरा रहे हैं टीम इंडिया के ऊपर, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान की गेंदबाजी की तरह पूरे 10 के 10 विकेट आउट कर सकते हैं किसी भी टीम के? क्या आपको इनके अंदर वो दम नजर आता है? शायद भैया बहुत बड़े सवाल है, बहुत बड़े सवाल है। एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों को लेकर बहुत बड़े सवाल है कि इस टीम के साथ क्रिकेट फैंस को भरोसा नहीं हो रहा है, क्रिकेट फैंस को भरोसा नहीं हो रहा है कि भाई साहब इस टीम के साथ टीम इंडिया जीतेगी, क्योंकि यही तो टीम एशिया कप में है, यही तो टीम पाकिस्तान के खिलाफ थी, यही तो टीम नेपाल के खिलाफ थी। हमने तो देख लिया भैया, हमें तो पता चल चुका है नजारा किस तरीके से टीम इंडिया का है। अब आप बेशक झूठे सपने दिखाइए कि हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, हम एशिया कप जीत जाएंगे, कैसे जीत जाओगे? उस सवाल का जवाब भी तो दीजिए ना मेरे भाई साहब कि कैसे जीत जाओगे। तो आप भी कमेंट करके मुझे बताइएगा। तीन क्षेत्र होते हैं क्रिकेट में, गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग, तीनों में टीम इंडिया की पोल खुल गई है पिछले दो मैचों में। क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगी? क्या आपको लगता है कि ये टीम जो बीसीसीआई ने चुनी है अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की, अपने पसंदीदा प्लेयर्स की, क्या आपको लगता है कि पसंदीदा प्लेयर्स वर्ल्ड कप जिता पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दा बहुत जरूरी है उठाना, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। बीसीसीआई वालों की आंख खुलनी चाहिए कि आप बार बार गलती पर गलती कर रहे हो, हर साल कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भैया आप क्यों आप नहीं गलती को सुधार रहे हो? क्योंकि क्रिकेट फैंस का दिल दुखता है मेरे भाई साहब, जब टीम इंडिया हारती है तो क्रिकेट फैंस का दिल दुखता है, लेकिन बीसीसीआई को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कमेंट करके बताइएगा क्या आपको लगता है कि टीम वर्ल्ड कप जिता सकती है। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।